टेस्ट बेसिकली RCPT, ठीक है। तो इसमें आपका जो जो इक्विपमेंट है, पहले डिस्क्रिप्शन में ये आपका RCPT टेस्ट यूनिट है, ठीक है। ये आपका सेल ब्लॉक है, जैसे चार ये सेल ब्लॉक दिया हुआ है ताकि आप ये चार चैनल एक साथ आपका पैरेलली एक बार आप चार टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चार टेस्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। एक दो है और दो अंदर है, ठीक है। ये आपका वैक्यूम पंप है, ठीक है। और ये डेजिकेटर है, और ये आपका वेरिफिकेशन यूनिट है। आप होल्ड भी कर सकते हैं नट बोल्ट से, ठीक है। और ये आपका डिवाइस वेरिफिकेशन किट है, और ये कनेक्ट करने के लिए आपका चैनल दिया हुआ है, केबल वगैरह सर, ठीक है। और टेम्परेचर सेंसर भी है ऑलरेडी, और ये टेम्परेचर सेल ब्लॉक के अंदर कितना टेम्परेचर है ये आप शो कर सकते हैं इधर, ठीक है। सॉफ्टवेयर में बेसिकली शो करेगा, और इधर भी शो देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोगों को सैंपल जो होता है, एक्चुअली सैंपल को आपका साइज़ होता है 50 थिकनेस और 100 mm डायर, ठीक है। तो उस सैंपल को हम लोग इनिशियली वैक्यूम करते हैं वैक्यूम पंप के थ्रू, ठीक है, इसके अंदर रख के। तो बेसिकली वो वैक्यूम करना है इधर आपका 92-28 bar तक, ठीक है। तो ये सैंपल अब जब आपका वैक्यूम हो जाएगा, फिर हम लोग उसमें पानी देते हैं डिस्टिल, और ये सारा जो पूरा काम होगा हमारा क्लीन वगैरह सारा सब डिस्टिल वाटर से होगा। और डिजिटल वाटर इधर आपका ऑलरेडी है, तो डिजिटल वाटर आपको इधर देना पड़ेगा सैंपल वैक्यूम होने के बाद 28 bar देन आपका ये वैक्यूम, मतलब आपका डिजिटल वाटर में आपका डिजोल्व आपका 18 to 24 ये आपको रखना पड़ेगा 24 घंटा मिनिमम, ठीक है। तो 18-20 ऐसा कुछ रखना चाहिए ऐसा, ठीक है। आगे रखिबा, आगे रखिबा, देखिबा।